नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है शिवसेना के महान नेता बाल ठाकरे की। नमस्कार, आपका स्टूडियो में स्वागत है साहब। जय हिंद। ऐसा लगता है बाला साहब कि आप जो हैं, आपकी पार्टी खबरों में है पर आप नहीं है, उसका क्या कारण? हाँ, वे क्या है, जैसे क्रिकेट में होता है वैसा ही पॉलिटिक्स में ही चलना चाहिए कि नए आए वो जाता नहीं तो पुराने जो यंगस्टर्स है जवान, किसको उसके सुंदरी मिलेगी चांस? क्रिकेट में तो नॉट आउट होता है, आप तो नॉट आउट हुए नहीं, आउट तो हुए नहीं, आप तो नॉट आउट है। बॉलर अच्छे नहीं तो मैं क्या करूं? बॉलर अच्छे, इसलिए आपने सेल्फ अपने आप को विड्रॉ कर लिया? हाँ, कर दिया, अभी क्या करूं, आउट नहीं लेते मुझे तो मैं क्या करूं। मतलब जो सामने वाले हैं आपके पास, कोई किसी के पास स्पिन नहीं है, कोई स्पिन करने वाला नहीं है, फास्ट बॉलर जो बाला साहब को आउट कर सके पॉलिटिक्स से? कोई प्रभु चावला नहीं है वहाँ तो मैं क्या करूँ। मैं, मेरे पास तो कोई बॉल ही नहीं है नहीं तो। पर आपने जिस फैसला जो किया है विड्रॉ करने का पॉलिटिक्स का, इसके पीछे क्या आप लगते हैं जवान लोग आगे आने चाहिए? सुनो, अभी क्या है, उम्र आया बढ़ गई, नाउ रनिंग 81, और ऐसे उम्र में शरीर भी थकता है। ये 40 वर्ष हो चुके मैं अकेला ही लड़ रहा हूँ मेरे साथियों के साथ और शिवसैनिकों के साथ, पूरा महाराष्ट्र घुमा, भंडारा तक, गढ़चिरौली वगैरह वगैरह करके, न खाने का पता ना कोई पीने का भी। लेकिन कब तक कोई मर्यादा होते? एक्चुअली टुडे माय स्टैंड इज आई एम एन एडवाइजर टू शिवसेना एज वेल एज उद्धव। मैं इसलिए रिटायर्ड हो गया ऐसा मैं नहीं कहूँगा। आप राजनीति में हैं अभी भी? है भी, मेरी स्टेटमेंट आती है अखबार में। तो बाला साहब ठाकरे पॉलिटिक्स से अभी भी रिटायर नहीं हुए? नहीं, रिटायरमेंट का सवाल भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ फिजिकली हमको ज़रा तकलीफ हो रही है, मगर आप बीमारी बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यू मस्ट बी मेंटली स्ट्रांग ऑल्सो, समझे? मेंटली स्ट्रांग, आई एम मेंटली स्ट्रांग इनफ। आप तो हैं, मैं तो, पर अरे औरों की भी बात नहीं, दूसरे जो लोग हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि मेंटली हम नहीं कर सकते तो मत करो, डोंट मिसगाइड द पीपल। अभी आप कह नहीं रहे किसी को रिटायर करने के लिए, रिटायर करने के लिए नहीं कह रहे किसी को, आप विड्रॉ करने के लिए, आई विल नॉट यूज द वर्ड रिटायर, कि आप नहीं कह रहे कि पॉलिटिशियन को खुद विड्रॉ करके नए लोगों को आगे लाना चाहिए? नहीं, कोने में खड़ा हूँ, मैंने कमरा छोड़ा नहीं, जस्ट वॉचिंग वॉट इज गोइंग ऑन, इफ नीड बी आई हैमर। पर आपने अपने पुत्र को हैंड ओवर किया उद्धव को, ये समझ के किया ना कि वो कैपेबल ऑफ हैंडलिंग योर लेगेसी, जो आप छोड़ के जा रहे हैं, जो आप छोड़ रहे हैं, जो कोने में खड़े होकर डंडा लेके खड़े हुए हैं। इन केस इफ आई विश टू डू दैट, कोई ना कोई तो होना ही होगा, कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि वही घर की बात है। नहीं, उद्धव आपको लगा ना कि ही कैन, वो ही इज डूइंग वेरी वेल विद द हेल्प ऑफ माय लीडर्स, those who were with me and the youngsters, young शिवसैनिक यंग ही होते हैं। अभी रिमोट कंट्रोल आपके पास? हाँ, कंट्रोल मेरे पास है भी नहीं भी, ऐसे नहीं, कंट्रोल तो होना ही चाहिए। तो अभी आप ट्रेनिंग? 40 बरस की ये मेरी मेहनत है, को मैं ऐसे देखूं। तो आपको जिस तरह से आपने जो आइडियोलॉजी आपकी है हिंदुत्व आपने शुरू किया, जब से पहले जब मैं आपका इतिहास पढ़ रहा था, बाला साहब ठाकरे ने कहा कि शिवसेना इसलिए बनाएगी कि 80% आप सोशल वर्क करेंगे, 20% राजनीति करेंगे, ये शुरू ऐसे किया आपने। तो उसके बाद अब तो राजनीति है, सोशल वर्क 20% होगा अगर होता होगा तो, ये क्यों किया आपने? सोशल वर्क क्या होता है? मोर्चा निकालना, मोर्चा निकालने के बाद पुलिस आपको रोक देंगी, उधर बैठना पड़ेगा, अंदर जाके मंत्रीगण से मिलेंगे आप, कोई आपस में बात, काम कराना है लोगों का, जनता का काम कराना है, चाय का कप आएगा, कोई बिस्किट आए खाएं, आश्वासन तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। मगर बाहर जो लोग जम गए हैं उसको सर क्या कहूँ, कुछ ना तो करना पड़ेगा, थापोलॉजी तो देते, ठोकते हम। मगर ये कब तक चलेगी बात, मोर्चा मोर्चा मोर्चा, कोई न्याय मिलता नहीं, कोई नहीं कुछ पूछने वाला है, मंत्री तो ध्यान नहीं देते। तो आपने फैसला किया हम ही मंत्री बन जाएंगे अब? नहीं, हमारी पार्टी के लोग मंत्री बने? नहीं, पॉलिटिक्स में आए हैं, पॉलिटिक्स में आ गए। और जब तक देखो, मुंबई महानगर पालिका
वह हाथ में जब आई तब कोई शुरुआत होगी, इससे तो दूसरी जंप मारी हमने। आपकी पार्टी ने अच्छा काम किया पहले से, आपके जब आपने कब्जा किया, आज भी कर रहे हैं, आज थोड़ी सीटें कम हुई पहले से। जो अखबार में जो आनी चाहिए चीज़ वो नहीं आती है, हमारी महत्वपूर्ण कोई चीज़ बात होती है, न्यूज़ होती है, वो नहीं आती है आजकल। अखबार वाले आपसे दुश्मनी नहीं निकालते हैं, अच्छी न्यूज़ है, इट हैज़ सम इम्पोर्टेंस एज फार द न्यूज वैल्यू इज कंसर्न, बट दे विल जस्ट प्रिंट इट। नो, आर्मी के कोई चीफ होते हैं, नए चीफ, पहला रिटायर्ड हो गया, दूसरा नया आ गया, यू शुड कम पुट इट इन अ बोर्ड लाइन। आपसे एक सवाल पूछा, ये नहीं, मगर वो बात में ऐसे कोने में जैसे कि वो कोई रिंगवर्म की एडवर्टाइजमेंट है। नहीं, मैं बड़ा आपसे एक सवाल पूछूंगा ये कि शिवसेना पार्टी जो बनी थी एक हिंदुत्व को लेकर बनी थी, हिंदुओं के साथ हो रहा है, महाराष्ट्रियन के साथ हो रहा है, कि आपने कहा था ना पहले कि जो लुंगी वालों को बाहर निकालो। शिवसैनिकों ने उन्होंने वो नारा दिया, मैंने बंद कर दिया वो। आपने बंद किया उसका, करुणानिधि ने बात किया आपसे, ऐसे मत करो। नहीं, पर हिंदुत्व और जो है जिस तरह के नारे पहले लगते थे उसी के ऊपर आपको लगता है जो मिशन आपने शुरू किया था बाला साहब ठाकरे ने, मुंबई जो है महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र के लिए है, मुंबई। व्हेन शिवसेना वॉज फॉर्म इट वॉज इन 19 जून 1966। ओके, इसके बाद काम तो अच्छा, शुरुआत तो अच्छी हो गई, मराठी के ऊपर ही हमने शुरुआत की शिवसेना की, और हम मराठी कभी भूल नहीं सकते। तो अभी भी आप प्रांतवाद को नहीं भूले ना, दैट इज योर बेसिक फिलॉसफी। प्रांत का सवाल नहीं है ये, मराठी फर्स्ट। महाराष्ट्र में मराठी लोगों का सम्मान नहीं किया जाएगा, मान नहीं रखा जाएगा, तो कहाँ रखा जाएगा? पंजाब में, बंगाल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ, बिहार में, महाराष्ट्र। जैसे कि इन लोगों को उनका प्रांत का अभिमान है, राज्य का अभिमान है, उससे हम कर रहे हैं, इसे गुनाह क्या है? नहीं, भारत का अंग तो है ना, आप लोग यू आर पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का अंग है ना। दैट्स व्हाट आई से, व्हाई यू ट्रीट मुस्लिम्स एज अ सेपरेट थिंग, एज अ माइनॉरिटी? व्हाट इज माइनॉरिटी? इफ ऑल वी एक्सेप्ट दैट वी आर द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री, All this problem will be finished. वो तो फिर आपसे शुरू करना पड़ेगा ना, आप पहले कहेंगे कि हम भारतीय फर्स्ट हैं, मराठा बाद में हैं। पहला हमारा नंबर क्यों लगाते हैं और दूसरे कोई लोग हैं? मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी फिलॉसफी अब क्या है, देश के ऊपर कैसे चलना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे से। आप बता रहे थे कि हिंदुत्व जो है, अभी आपको लगता है कि हिंदुत्व तो हिंदू डिवाइडेड फैमिली है, हिंदू लोग इकट्ठे नहीं है जिसको आप कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और हिंदू के नाम से जो लोग हैं हिंदुस्तान के लोग सेकुलर ज़्यादा हैं, ब्रॉड माइंडेड ज़्यादा हैं, तो आपको लगता है कि आपकी जो फिलॉसफी थी हिंदुत्व को इकट्ठा करना उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हिंदुस्तान में अब नहीं है? इसलिए मैं कहता हूँ कि जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है वो ऐसी मजबूत गवर्नमेंट चाहिए जो कि वो हिम्मत से कहें कि ये करना चाहिए, मत करो। कोई हमारे पूरे देश पर कोई दबाव नहीं है, कोई कुछ भी करो, कहीं भी करो, इसलिए बलात्कार हो, ये हो, गुंडागर्दी हो, पाकिस्तान के अतिरेकी हो, आतंकवादी, क्यों उनको मैदान खोला? बांग्लादेश के मुसलमान आ रहे चुके, इतनी झोपड़पट्टियाँ उनकी फैली जा रही हैं, जहाँ जहाँ कोई प्लाट होता है, जगह खाली जमीन होती है उस पर धीरे सीधे वो कर देते हैं, आराम से, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई मन में डर है कि यहाँ एक कानून है। कानून की डर किसी के मन में रही नहीं, ये तो सबके लिए होता है ना। बाला साहब, मैं सवाल जो पूछूं कि शिवसेना के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है, एक्यूजेशन लगाया जाता है कि जो आपकी पार्टी है वो टॉलरेंस नहीं है उसके अंदर, हर बार कोई मुसलमानों के खिलाफ कभी धरना दे दिया, कभी किसी को क्रिकेट की पिच उखाड़ दी, ये टॉप पॉलिटिक्स ऑफ इनटॉलरेंस जो है ना। क्रिकेट को हमने इतना धक्का नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं, मेरा निवेदन भी आ गया, बड़ा निवेदन, इससे काफ़ी चिपचाप सब हो गए। ऐसे एटलीस्ट मेरे जो लोग हैं शिवसैनिक, उन्होंने कुछ नहीं किया, ना कोई पुतला जलाया, ना कुछ किया, कोई गाली आ गई। नहीं, नहीं कर रहा हूँ,
अभी वो शिल्पा शेट्टी का कुछ हो रहा था उसके ऊपर हंगामा ये कर कौन दिया। से जनरेशन है ये वैलेंटाइन बात करते हैं। अब शिल्पा शेट्टी ने एक स्टेज पे कुछ किया, वाई 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 दिस प्रदेश के एलिमेंट हमारे खून में रोगों में क्यों, लैला मजरू करो, इससे क्या मिलता है तुमको, एक गुलाब का फूल देते हैं तुम बस, कुछ शादी होगी और कुछ लैला मजनू करो, वैलेंटाइन डे मत करो। हाँ करना है तो ऐसा कुछ करना तो करो, कहीं हमारे देश की कोई, अभी देखिए हमारे लैला मजनू की बात अमेरिकन लोग करेंगे क्या, हमारे पेशवा था, पेशवा बाजीराव पेशवा, बाजीराव पेशवा था और इसके मस्तानी, वो दिन मनाना क्यों नहीं करते, अमेरिकन लोग करेंगे, जो हमारी चीज़ें वो नहीं मानते हैं ना करते हैं तो उनकी जो बातें हैं तो हम क्यों माने, मेरे तो कोई अभिमान की बात है और नहीं। आप में आपने तो उसके बाद एकदम राष्ट्रपति के ऊपर भी आक्रमण कर दिया, राष्ट्रपति आपने सपोर्ट किया शिवसेना के वोटों से चुन करके ये राष्ट्रपति आए। जो सत्य है हम सत्य के भक्त हैं, सत्यमेव जयते। नहीं अफसल को फांसी नहीं दी इसके बारे में आपने अब, हाँ वो जरूर आज भी मैं कहता हूँ और कहता ही रहूंगा, कहता ही रहूंगा कि उनको देना ही होगा, देश के दुश्मन है, हमारे संसद पर हमला, तो उसको किसी को, आप क्यों ब्लेम कर रहे हैं? किसी को भी इसकी शर्म नहीं है, कैसी बात, राष्ट्रपति का क्या कसूर है इसमें? अरे क्यों, मुसलमान है इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, तय किया कि उसको फांसी के फांसी पर लटका दो। व्हाई मिस्टर कलाम और ग्रेट प्रेसिडेंट इज डिलेइंग, क्यों? तो आपको लगता है आपकी से गलती हो गई कलाम साहब को सपोर्ट करते करने की? मैं कहता हूँ कि कलाम की जो जिम्मेवारी है राष्ट्रपति के हैसियत से वो नहीं निभाते हैं ठीक तरह से, कोई दबाव के नीचे हैं वो, दबाव के नीचे। तो अभी दोबारा कैंडिडेट बनेंगे तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे? हाँ, कलाम इज अ मुस्लिम, आई नेवर ट्रीटेड हिम एज अ मुस्लिम, नो, ये देश का मेरा नागरिक है। नहीं मैं सवाल आपसे पूछा, अगर आप कलाम साहब को दोबारा कैंडिडेट बीजेपी वाले बनाते हैं शिवसेना उसका समर्थन जब तक अफजल फूल फांसी नहीं जाते तब तक नहीं। पर एक बार बाला साहब मेरे को समझ, क्योंकि जिस पार्टी के साथ आपका चल रहा है बीजेपी के साथ अभी तक आपका अलायंस है, कभी कभी आप कहते हैं कि बीजेपी पार्टी गलत काम कर रही है, आपको क्या लगता है बीजेपी अभी ठीक ठाक है आपसे रिलेशनशिप उनके? रिलेशनशिप हमारी हमारे तरफ महाराष्ट्र तक इधर उधर चलता है कभी कभी, लेकिन ठीक तरह से चल रही है, ठीक चल रही है अभी। राजनाथ सिंह ठीक चला रहे हैं पार्टी, आपको लगता है राजनाथ सिंह ठीक चला रहे हैं पार्टी? ऐसी बात है कि उन समझ सोचने की बात होती है, तुम कोई ऐसे टेढ़ीबाजी करेंगे तो नहीं होगा, क्या है ये है ये है ये हमारी इतनी ताकत है, हमारी सब लोग तो ताकत ही बताने की कोशिश करते हैं। बीजेपी से आपके संबंध आजकल अच्छे हैं ना, कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं, शिकायत एक कार्यकर्ता जो होते हैं, कार्यकर्ता नाराज होते हैं, तो कार्यकर्ता में आपस में कोई होता है झगड़ा इधर उधर, लेकिन हम तुरंत हम किसी को ना किसी को बेचते हैं, क्या है क्यों मारा मारी होगी। अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आपने एनसीपी के साथ भी कर लिया फैसला, कहीं पर मिलजुल के बना लिए एनसीपी के साथ, शरद पवार की पार्टी के साथ आपके शिवसेना ने मिलकर के पूना में कुछ किया, कहीं और उन्होंने आपके साथ किया, ये सब क्या हो रहा है मतलब? कोई नहीं, जितने वो मुश्किल है, एक बात कि अभी इस देश में स्टेट की बात मैंने, राज्य की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं केंद्र सरकार की बात कराओ, केंद्र में सब देश के लोग इकट्ठा एक आते चुन के आते उधर बैठते हैं एमपी के हैसियत से नाते से, अभी एक ही एमपी के पार्टी गवर्नमेंट थी उनकी, जैसे कि कांग्रेस पहली थी अभी नहीं रही, उनको भी मदद लगती है, बिकॉज अभी तो एक छाता में छत्र में कोई गवर्नमेंट नहीं आने वाली, या इस देश में कोलिशन होने वाला है हमेशा, या ऐसे ही चलेगी आघाड़ी आघाड़ी आघाड़ी। पर आपके साथ सडनली आपको जो है एकदम शरद पवार से कैसे मोहब्बत हो गई? मेरे पुराने बहुत ही पुराने दोस्त, अरे बाप रे बाप पूछो मत, जब ये कोई नहीं थे पॉलिटिक्स में आ रहे थे आहिस्ते आहिस्ते, तब से ये पुराना जो मेरा मातोश्री का बंगला था वहाँ आते थे। एक बार बताओ, अगर इसी पार्लियामेंट में यूपी इलेक्शन में अगर आप जीत गए, आपके लोग अगर आप सब आ गए, तो शरद पवार को थर्ड फ्रंट का प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो आप उसको सपोर्ट करेंगे? मैंने बनना चाहता हूँ तो उनको क्यों ना बने, बना दे, कहीं ना कहीं तो अच्छा होना है।
चाहिए। नहीं, आप नहीं बनना चाहते, वो तो आपने फैसला किया। अगर शरद पवार कैंडिडेट बनते हैं तो आपकी सपोर्ट उनको होगी ना? हो जाएगी। और किसको दो दूं, किसको? तो आपका कैंडिडेट अगर दोबारा बन शरद पवार होंगे प्राइम मिनिस्टर तो आप सपोर्ट कर देंगे? बिल्कुल दे देंगे। एक बात जो आखिर में, आपने सोनिया गांधी का बहुत विरोध किया क्योंकि विदेशी हैं, ये हैं, तो अब लगता है आप थोड़ा उनको एक्सेप्ट कर लिया ना कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं, मैं वापस करूँगा सोनिया गांधी, ऐसे कोई कंपैरिजन भी नहीं हो सकते शरद पवार सोनिया गांधी के बारे में। सोनिया गांधी आफ्टर ऑल ये इम्पोर्टेड स्टफ है और शरद पवार तो इधर का ही। आपकी चॉइस, आप समझते हैं शरद पवार सोनिया गांधी से बड़े नेता हैं? वैसे कहे तो उसका जो त्याग है, उन्होंने जो मिशन ली थी, और ये यशवंत चौहान के शाकिर्द है, तो नॉलेजेबल पर्सन, नोइंग फुल वेल, सब मालूम है उनको देश में, शरद पवार को बिल्कुल। अच्छा, सीधन पॉलिटिशियन लगते हैं आपको? ये ही। तो बाला साहब, अगर बाला साहब की मर्जी से प्राइम मिनिस्टर बन गया कोई, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले काम? बांग्लादेशी तो निकाल देंगे? मेरी गवर्नमेंट होती सेंट्रल में, गवर्नमेंट में, तो मैं निकाल देता। इतने सारे 2 करोड़ निकाल देते हैं? 2 करोड़ लोगों को निकाल देते हैं तो क्या, किसका माल है ये? हिंदुस्तानी भी हिंदुस्तान से बाहर 3 करोड़ 4 करोड़ हैं, उनको लोग निकाल देंगे? देखो, उनका देश मिल गया, हमारा देश का दूसरा टुकड़ा है ये, उनका खुद का देश मिलने के बाद भी इधर क्यों आ रहे तुम हिंदुस्तान में, हमारी तकलीफें क्यों बढ़ा रहे क्यों? वो तो राहुल गांधी ने कह दिया कि बांग्लादेश को बनाने में हमारी मां ने, हमारे बाप ने, ये कल का पोपट रेडी लिया ना हमने, ठीक किया ना, बांग्लादेश बनाया था इंदिरा गांधी ने ना, ये बात सच है ना? सोनिया गांधी ने नहीं, इंदिरा गांधी ने। हाँ, तो राहुल तो जो है तो उनका पोता ही हुआ ना? वो मुजीबुर रहमान थे उस वक्त, बड़ा अच्छा आदमी, जिसकी अभी वो लड़की है, अच्छा आदमी, उसका खून हो गया, मारा गया। तो इंदिरा गांधी और तो ये आदमी देखकर हमको पाकिस्तान को सबक सिखाना था, इसलिए हमने बांग्लादेश सेपरेट किया। अब ये वो भी पाकिस्तान के बाप बन गए तो हम क्या करें? गांधी परिवार ने एक अच्छा काम तो किया ना? गांधी परिवार, गांधी कही देव, अभी ये मीडिया आता है, मीडिया ने महात्मा गांधी पर डाल दिया। नहीं, हम गांधी की बात करें, इंदिरा गांधी पर डाल, मीडिया ने यह किया, पाकिस्तान बनाया, लोगों का समझ ऐसा हो गया कि ये महात्मा गांधी पर आलोचना कर रहे हैं, ये हो गया, हुआ ना कि महात्मा गांधी ने पाकिस्तान बनवा दिया उस वक्त, ये यही कहना चाहते हैं? नुकसान किया, फालनी किया, ये कर दिया, वो कर, हर जगह। तो एक तो ये रिलीजन ग्राउंड पे, दूसरा बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होनी चाहिए इसपे ऊपर, आजकल हड़ताल हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। हमने कुछ कर रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं, हमारा कोई नहीं जा रहे हैं। ये सवाल है कि ये आपस में जो झगड़ा लगाने की जो कोशिश हो रही है, कोई नए नए पॉलिसी तरीके ला रहे हैं तुम, इसके वजह से हमारे आपस में एक दुही ये हो रही है। तो आप तो पॉलिसी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के खिलाफ है ना आप तो? हम कास्ट के खिलाफ हैं, कास्ट रिजर्वेशन के, क्योंकि इनमें दलितों में भी कोई रईस आदमी है, श्रीमंत है, उसको उसके लड़कों को भी दे दे। तो मानो कि आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया में विश्वास रखते हैं, जो अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्थिक जो है इशू होना चाहिए, आर्थिक क्राइटेरिया होना चाहिए, आर्थिक कमजोर है, वो आर्थिक कमजोरी से ये करो। तो ये जो अर्जुन सिंह कर रहे हैं बैकवर्ड के लिए सब कुछ, ये सब क्या अर्जुन सिंह की बात करे? मिनिस्टर सर, तो मिनिस्टर बन जाता है तो क्या होता है? सीनियर मोस्ट मिनिस्टर है होगा तो, मगर दिमाग में कुछ नहीं है, खाली मटका है, तो हम कैसे मानेंगे? इतनी बड़ा पॉलिसी स्टेटमेंट दिया उसने, सारे देश में चर्चा हो रही है, तो दिमाग तो काम कर ही रहा है ना? क्या है बताया वो पॉलिसी से, धोरण से क्या होगा, क्या हुआ? आपस में झगड़े लगने शुरू हो गए। तो शिवसेना कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के बिल्कुल खिलाफ है, ओनली आर्थिक क्राइटेरिया होना चाहिए आपके साथ। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूं, बाल ठाकरे का भविष्य क्या है? मेरा मैं मेरे हाथ देखता हूँ, मैं पता नहीं मेरा ये किधर है, पैसा कहाँ है और तबीयत की लाइन कौन सी है, क्या है, लाइनें हैं बस, लाइनें हैं ना, पैसा भी है नहीं, करना हो तो करोड़ों रुपया, अब्ज रुपया करता, अब्ज करोड़ भी नहीं, अब्ज करता। चलो, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। ये थी आज की मुलाकात।
सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज।